हेलो स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ होता है क्योंकि दोनों ही पास्ट में यूज़ होते हैं जो पास्ट सिंपल टेंस है वो यूज़ होता है किसी भी एक्शन को हमें जस्ट सिर्फ ये बताना है कि वो एक्शन हुआ दैट मीन्स दैट एक्शन टू प्लेस लाइक वी गॉट फ्रीडम इन नाइनटीन फोर्टी सेवन लेकिन अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तो व्हाट इज़ दिस टेंस दिस टेंस इज़ पास्ट इन द पास्ट कि पास्ट में ही अगर हम और ज़्यादा लेवल पर जाते हैं तो ऐसे केसेस में यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का तो चलिए इसको क्लियर करते हैं थ्रू सम पिक्चर्स थ्रू सम एग्जांपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आप देख रहे हैं फन एंड लर्न दिस इज़ हरीश सो लेट्स गेट स्टार्टेड जैसे आपका ये सेंटेंस आप देखिए इस सेंटेंस को आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पर आपको दो एक्शंस नज़र आ रहे हैं वन इज़ ईटन एंड सेकेंड वन इज वेंट दो वर्ब्स आपको यूज की जा रही हैं इस टेंस में वन इज वी थ्री दिस इज वी थ्री ईटन एंड दिस वन इज वी टू दैट इज वेंट और आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल अब यहां पर जो डेफिनेशन है इस टेंस की वो ये है कि दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच टुक प्लेस फर्स्ट बिफोर अदर एक्शन स्टार्टेड मतलब ये जो टेंस है यहां पर दूसरा जो टेंस है यानी कि सिंपल पास्ट ये यहाँ तो इस टेंस का यूज जो है मतलब सिंपल पास्ट का यूज भी इस टेंस में होता है यूजली आई एम नॉट से हमेशा आपको यूज़ करना है लेकिन काफ़ी सेंटेंसेज uh, में काफ़ी एग्जाम्पल्स में आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा तो अब यहाँ पर जैसे है ये आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक्शन मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन बताया है कि इस टेंस का यूज़ वहाँ होगा जहाँ कोई एक्शन कंप्लीट हुआ किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले या होने से पहले तो ये एक्शन जो है आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट ये एक्शन कंप्लीट हो गया किस एक्शन के होने से पहले किस एक्शन ये बिफोर आई वेंट टू स्कूल मतलब मेरे स्कूल जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था तो जो मैंने एक्शन कंप्लीट किया पहले दैट इज़ हैड ईटन सो इट मीन्स द एक्शन विच विल कंप्लीट फर्स्ट दैट मस्ट बी रिटर्न इन पास्ट परफेक्ट ये इसका एक तो मेन पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो दूसरा एक्शन होगा वो यूजुअली सिंपल पास टेंस में ही लिखा जाएगा बिफोर आई वेंट टू स्कूल इट मीन्स आई वेंट टू स्कूल लेटर फर्स्टली आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट नो सी दिस सी दिस पिक्चर टू अंडरस्टैंड इट बेटर सो ये जो गाय है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ब्रेकफास्ट कर चुका है आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल बिफोर आई वेंट टू स्कूल अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि मम्मी जो है वो खाना पका रही हैं और ये जो बच्चा है या बॉय है गर्ल है जो भी है ये अपना ब्रेकफास्ट कर चुका है एंड ही और शी इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल सो आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर अभी आपको भी पता है ये चीज़ कि हम लोग स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है सेंटेंस आपका ये हैड इटन देखिए आप इट इंडिकेट्स दैट दिस इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दिस वेंट इट इंडिकेट्स दैट दिस इज सिंपल पास्ट टेंस तो ये मिक्सचर है पास्ट परफेक्ट टेंस एक मिक्स जो दूसरा टेंस इसमें होगा वो होगा सिंपल पास्ट टेंस अब ये देखिए कि हाउ डू वी यूज द पास्ट परफेक्टेंस द पास्ट परफेक्टेंस एक्सप्रेसिज एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट मतलब इसमें दो जो टेंसेज हैं उनका यूज होगा एक तो पास्ट परफेक्ट तो है ही क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं और दूसरा जो होगा वो होगा सिंपल पास्ट जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं अराइव्ड एक एग्जाम्पल है द ट्रेन लेफ्ट एट 9 ए एम

So the action which took place first that is written in past perfect tense and that later one it is written in simple past tense. The past perfect tense with this graph आपको और थोड़ा सा अच्छा clear हो जाएगा यहाँ पर ये यह graph देखिए जैसे had received, had eaten, so ये जो identification है आपकी past perfect tense की है क्योंकि दोनों में ही आप had देख रहे हैं had is the helping verb of this tense. एंड वी थ्री वी ऑलवेज यूज़ इन इन दिस टेंस और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इट हिट हिट और स्टॉप्ड ये जो हिट है और ये जो स्टॉप्ड है ये है आपकी सेकेंड फॉर्म्स मतलब ये जो है आपका सिंपल पास टेंस को इंडिकेट कर रहा है अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल को कि द टाइटनिकड रिसीव्ड मैनी वार्निंग्स बिफोर इट हिट द आइस बर्गस कि टाइटनिक जो कि आपको पता है टाइटनिक मूवी आपने ज़रूर देखी होगी उसका एक एग्जाम्पल एक लिया गया है कि हैड रिसीव्ड मैनी वार्निंग्स कि टाइटेनिक को बहुत सारी वार्निंग्स मिली थी हिट्स होने से पहले आइसबर्ग के साथ हिट होने से पहले तो यहाँ पर जो उसको पहले एक्शन हुआ वो पहले एक्शन क्या हुआ कि हैड रिसीव्ड मैनी वार्निंग्स ये एक्शन पहले हुआ था मतलब क्या आइसबर्ग से हिट होने से पहले क्या हुआ था वार्निंग्स मिली थी किसको टाइटेनिक को तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम यूज़ करते हैं

तो अब यहाँ पर भी देखिए कि दो जो एक्शंस हैं एक तो है ईटन हैड ईटन और देन सेकेंड वन इज स्टॉप्ड तो ये स्टॉप्ड जो है ये आपका है वी टू मीन्स सिंपल पास्ट टेंस और हैड ऑलरेडी ईटन ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि ये जो टेंस लिखा हुआ है ये है और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेंस है आपके कुछ वर्ड्स हैं कुछ फ्रेजेज हैं जहाँ पर ये टेंस यूज़ होता ही होता है जैसे आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं ऑलरेडी एक ये वर्ड है ऑलरेडी और दूसरा है आपका नेवर और फिर आपके कुछ फ्रेज़ेस हैं बाय द टाइम बाय द टाइम और बाय द ईयर बाय द एंड ऑफ द मंथ सो दीज फ्रेज़ेस, विथ दीज फ्रेज़ेस वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट अ पास्ट एक्शन दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट वी यूज बिफोर एंड आफ्टर एक चीज़ और है यहाँ पर कि आप इस टेंस में देखेंगे आप किसी भी बुक्स में देखेंगे तो आपको दो वर्ड्स जरूर दिखाई देंगे मैक्सिमम सेंटेंस में वन इज़ बिफोर और वन इज़ आफ्टर क्योंकि ये जो टेंस है आपका टाइम से रिलेट करता है तो वी यूज द सिंपल पास्ट टू हम इसमें सिंपल पास्ट का भी यूज़ करते हैं इसी टेंस के मिक्सचर को मतलब मिक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए सो द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव अगेन टू एक्शंस आप देख रहे हैं अब मैक्सिमम सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि दो टेंसेज का मिक्स mix, मिक्सचर आपको यहाँ पर मिलेगा अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ये फर्स्ट है आपका और ये है सेकेंड तो सेकेंड में आपको दिखाई दे रहा है जैसे फर्स्ट में यहाँ फर्स्ट में आप देख रहे हैं द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी अराइव्ड तो ये जो है फिल्म हैड 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 स्टार्टेड स्टार्टेड पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस टेंस एंड दिस दिस इज इज सिंपल सो हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और अराइव्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म है तो फिल्म हैड स्टार्टेड फिल्म पहले ही शुरू हो चुकी थी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले बिफोर वी अराइव इसका मतलब जब तक हम वहाँ पहुँचे सिनेमा हॉल में तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी सो so, कौन सा एक्शन पहले हुआ मूवी स्टार्ट पहले हुई या आप सिनेमा घर में पहले पहुंचे मूवी so, स्टार्ट पहले हुई ना द फिल्म हैड स्टार्टेड सो दिस एक्शन जो भी पहले एक्शन होता है वो एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है और जो दूसरा एक्शन है वो सिंपल पास्ट टेंस में एक और एग्जांपल है वी आल्सो यूज द पास्ट परफेक्ट टू शो द कॉज ऑफ अ पास्ट एक्शन I was tired on Monday because I hadn't slept well the night before. अब अगर आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बिकॉज आई हैड not स्लेप्ट वेल द नाइट बिफोर तो पहले एक्शन कौन सा हुआ कि पिछली रात को मतलब उससे पहले वाली रात को वो कहता है कि स्पीकर आई वॉज मैं मंडे को बहुत थका हुआ था रिजल्ट क्या था कि उससे पहले जो एक्शन हुआ था उस वजह से वो बहुत थका हुआ था मतलब उससे पहले एक्शन क्या हुआ था उससे पहले एक्शन ये हुआ था कि वो ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली द नाइट बिफोर उस पिछली रात को वो प्रॉपरली मतलब नींद नहीं ले पाया था एंड द रिजल्ट वॉज वॉट द रिजल्ट वॉज आई वॉज टायर्ड और ही वॉज टायर्ड ऑन मंडे इट मीन्स द संडे नाइट ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली सो द रिजल्ट केम दैट ही वॉज टायर्ड ऑन मंडे और ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं मैंने आपको बताया भी है कि कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर आपको पास टेंस यूज करना है जैसे वेन आफ्टर बिफोर एज सुन एज बाय द टाइम बाय एंड अनटिल नेवर ऑलरेडी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ बाय द टाइम आई गॉट होम तो ये देखिए ये फ्रेज बाय द टाइम दिस इज़ अ फ्रेज़ आई गॉट होम कि मैं जब तक मैं घर पहुंचा माई मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर डिनर सो कौन सा एक्शन पहले हुआ आप घर पहुंचे पहले या आपकी मम्मी ने जो है खाना पहले पका लिया था डेफिनेटली ये जो एक्शन है क्योंकि ये बता रहा है कि जब तक मैं घर पहुंचा बाय द टाइम आई गॉट होम माई मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर कि मेरी मम्मी ने खाना पका लिया था तो दिस एक्शन टू प्लेस फर्स्ट मीन्स कुकिंग डिनर प्रिपेयरिंग डिनर सो दिस एक्शन हैज़ बीन रिटर्न इन पास परफेक्टेंस यू कैन सी हैड हिज हेयर एंड प्रिपेयर सो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज पास्टफेक्टेंस

उसके वे से आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से इसका एक प्रॉपर वे क्या है और किस तरीके से हम इस टेंस का यूज करते हैं तो ही केम टू माई हाउस आफ्टर आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट कि मेरे घर वो आया और उस बाद में मतलब मेरे घर वो बाद में आया और आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट मेरे जाने के मतलब बाद में तो यहां मतलब आप पहले एक्शन जो है ये हुआ था आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट पहले एक्शन ये हुआ था आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट मैं घर से पहले निकल चुका था और बाद में ही केम टू माई हाउस मेरे घर वो आया तो जो बाद में एक्शन हुआ दैट मस्ट बी रिटर्न इन सिंपल पास्ट एंड दिस एक्शन विच टू प्लेस फर्स्ट दिस वन दैट इज रिटर्न इन पास्ट परफेक्ट टेंस आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट सो दिस वन यहाँ देखिए आप ये जो सिंपल पास्ट टेंस है तो कि केम जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ सेकेंड फॉर्म और ये जो है सेकेंड फॉर्म आपको पता ही है कि सिंपल पास्ट टेंस होता है और इसमें जो है हम लोग यूनिक टेंस है क्योंकि सेकेंड फॉर्म सिर्फ इसी टेंस में ही यूज़ होती है सिंपल पास्ट में और ये जो है आपका हैड लेफ्ट ये है आपका पास्ट परफेक्ट क्योंकि दिस इंडिकेट्स हैड प्लस थर्ड फॉर्म So, this indicates that this is past perfect tense. So ye jo sentence hai de ki, is sentence may be do action hai. Coming means came, form is came or left. Leave means the form is had left. So this is the mixture of simple past and past perfect tense. So this is some more. अब आप इस एग्जांपल को देखिए लुक एट दिस एग्जांपल आफ्टर ही हैड टेकन हिज म्यूजिक लेसन ही मेड अ टेलीफोन कॉल तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो पहले एक्शन कौन सा हुआ उसने अपने म्यूजिक के जो लेसंस थे वो मतलब उसे उसने लिए अपने म्यूजिक लेसंस ने अपने लिए हैं और उसके बाद उसने एक टेलीफोन कॉल किया तो ये जो एक्शन है हैड टेकन हिज म्यूजिक लेसन दिस एक्शन took place first एंड दिस एक्शन मेड अ टेलीफोन कॉल

सो वट हैड अली डन बिफोर ही वेंट फिशिंग अली ने क्या किया था जब वो फिशिंग पर गया उससे पहले यहाँ भी अब ये इंट्रोकेटिव सेंटेंस है तो चलिए उससे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर आफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं ऑफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंसेज डिक्लेटिव सेंटेंसेज इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड वी यूज फुल स्टॉप सो दिस इज द Affirmative sentence and in negative sentence here only we have to use not after helping verb here. Okay? Now come to this interrogative sentence. What had Ali done before he went fishing? ki jab ali fishing पर गया तो उससे पहले उसने क्या किया था? तो ये sentence में भी आप देख रहे हैं कि दो जो हैं आपका had और done used हुआ है मतलब past perfect tense है और यहाँ पर जो है simple past है went. तो यहाँ आप देखिए रिपेयरिंग कार अली ने अपनी कार को रिपेयर कर रहा है वो रिपेयर किया था उसने क्योंकि उसे फिशिंग पर जाना था और यहाँ पर जो है आप देखिए अली हैड रिपेयर हिज कार बिफोर हिवेंट फिशिंग कि अली ने अपनी कार को रिपेयर पहले किया तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है दिस इज पास्ट परफेक्टेज और वेंट दिस इज सिंपल पास्ट और द अदर नेम ऑफ सिंपल पास्ट इज पास्ट इनडेफिनेट तो अपनी कार को उसने रिपेयर किया बाद में वो अली जो था वो गया फिशिंग के लिए बिफोर ही वेंट फिशिंग सॉरी अली ने पहले अपनी कार को रिपेयर किया फिशिंग पर जाने से मतलब पहले ठीक है बिफोर ही वेंट फिशिंग फिशिंग पर जाने से पहले अली हैड रिपेयर हिज कार तो क्योंकि उसे जाना था तो पहले कार रिपेयर होगी तो जो पहले एक्शन होगा वो जो आपका एक्शन है वो वी विल राइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस सो दिस इज पास्ट परफेक्ट एड रिपेयर्ड और ये यहां पर जो है अली फिर फिशिंग पर पहुंच गया देखिए नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं अब द की वर्ड्स जो है आपके इस टेंस के जो की वर्ड्स का मतलब है कि जो आपके मेन वर्ड्स हैं जो हम इस टेंस में यूज करेंगे वो कौन से हैं आफ्टर एज सुन एज And had plus past participle this past participle pp means past participle this past simple is the other you can say uh, the other verb which is used in past perfect tense means i'm talking about mixture और जो है कुछ की देखिए आप यहाँ पर बिफोर इस टेंस में यूज़ होगा आफ्टर इस टेंस में यूज होगा बाय द टाइम इस टेंस में यूज होगा और हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ये तो आपको बता ही दिया है आपको तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो अब आप आपको सेंटेंस बनाने हैं आफ्टर और बिफोर का यूज करके कुछ आ, ताकि जो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो अब यहाँ पर देखिए आप फिनिश वर्क वॉच टीवी तो अब ये जो है आपको दो एक्शन आपको दिखाई गए हैं जैसे यहां पर एन एग्जाम्पल आई हैड सॉरी आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर आई वॉचड टीवी तो अब ये सेंटेंस देखिए मैंने इसमें जो है क्या यूज किया है, हैड फिनिश्ड और वॉच्ड सॉरी हैड फिनिश्ड और वॉच्ड यूज किया है मैंने इसमें तो अब आप क्या करना है कि फिनिश वर्क और ये जो वॉच टीवी है इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है जैसे आप बना सकते हैं यहां पर ये देखिए लाइक आई हैड फिनिश्ड माय वर्क फिनिश्ड my वर्क बिफोर आई watched Television. So टेलीविजन सो दिसके आई हैड फिनिश्ड तो अब देख रहे हैं कि यहां पर जो है एक तो मैंने ये लिया है दूसरा जो मैंने action लिया है वो ये है watched. तो so यहां पर अगर आप देख रहे हैं watched जो कि indicate करता है कि this is simple past tense. तो so यहां पर फर्स्ट एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क मतलब मैं अपना होमवर्क या कुछ भी जो भी काम है वो मैं फिनिश कर चुका था बिफोर आई वॉच्ड टीवी वी अपना टीवी देखने से पहले तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम आफ्टर और बिफोर का यूज़ करके ये जो दो एक्शंस हैं फिनिश और वॉच इन दोनों का यूज़ करके हम लोग फिनिश वर्क और वॉच टीवी का यूज़ करके और आफ्टर यूज़ करना है हमें हम किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं ये देखिए आफ्टर आई हैड फिनिश्ड वर्क आई वॉचड टी वी सो वट यू थिंक वट एक्शन टू प्लेस फर्स्ट कौन सा एक्शन जो स्पीकर है जो राइटर है उसने पहले किया डेफिनेटली जो है उसने पहले अपना काम फिनिश किया क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म इट मीन दैट दिस एक्शन took प्लेस फर्स्ट ये एक्शन पहले हुआ तो आई हैड फिनिश्ड वर्क लेटर ऑन आई वॉच द टीवी कि मैंने अपना पहले काम फिनिश किया और उसके बाद मैंने टीवी देखा और यहां पर ये दूसरा सेंटेंस जो है ये भी आपको ये बताता है कि बिफोर का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं ऐसे ही सेंटेंस में बिफोर आई वॉचड टी वी टी देखने से पहले आई हैड फिनिश्ड माई वर्क मैंने अपना काम खत्म किया अब यहाँ पर आप देखिए जैसे ये यह यहाँ पर आफ्टर है और यहाँ पर है बिफोर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं तो इनका जो यूज है वो भी अपोजिट होगा अब आप यहाँ देखिए यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है वो है पास्ट परफेक्ट हैड फिनिश्ड और यहाँ क्योंकि बिफोर था बिफोर इज द अपोजिट ऑफ आफ्टर तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो है सिंपल पास्ट और यहाँ पर जो ये वॉचड टीवी है ये लेटर है क्योंकि आफ्टर से सेंटेंस जो स्टार्ट है यहाँ वॉचड टी वी यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में है और यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया क्योंकि आफ्टर इज द अपजिट ऑफ बिफोर एंड बिफोर इज द अपजिट ऑफ आफ्टर तो इस तरह से भी आप बिफोर और आफ्टर का यूज करके आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अब आपको सिमिलर सेंटेंसेस जो फ्रेज हैं बाय द टाइम एज वन एज इनसे आपको बनाने हैं ये देखिए जिस तरीके से ईट ब्रेकफास्ट और गो टू स्कूल अभी ये जो दो आपके एक्शंस हैं वन इज ईटिंग एंड सेकेंड वन इज गोइंग गो टू गो एंड टू ईट तो आपको बाय द टाइम और ऐसा ऐसे सेंटेंसिस किस तरह से आप बना सकते हैं ये देखिए जैसे बाय द टाइम आई वेंट टू स्कूल आई हैड ईटन माई ब्रेकफस्ट तो ये एक्सप्रेशन है ये एक फ्रेज है बाय द टाइम कि मतलब बाय द टाइम आई वेंट टू तो स्कूल आई हैड मतलब मेरे स्कूल पर जाने तक मतलब कहने का ये हुआ कि आई हैड ईटन माई ब्रेकफस्ट फर्स्ट ये एक्शन जो है आपका पहले हुआ मतलब आपने पहले ब्रेकफस्ट किया बाय द टाइम आई वेंट टू स्कूल यानी कि स्कूल जाने तक यानी कि स्कूल जाने से पहले आप अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे और यहाँ एज सोन एज 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 आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट कि जैसे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया आई वेंट टू स्कूल कोई भी केस है आप ये देखिए चाहे एज एज है या बाय द टाइम है जो एक्शन पहले हो रहा है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा क्योंकि पहले आपने इस सेंटेंस में आपने पहले ब्रेकफास्ट किया देन आई वेंट टू स्कूल बाय द टाइम आई वेंट टू स्कूल आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट मैंने पहले ब्रेकफास्ट फिनिश किया बाय द टाइम आई वेंट टू स्कूल एंड देन एज सुन एज आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट जो ही मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश किया आई वेंट टू स्कूल मैं स्कूल गया मेक सिमिलर सेंटेंसिसज़ यूजिंग बाय द टाइम एंड एज सोनेज तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे किस तरीके से बाय द टाइम और एज सोनैज़ का यूज़ करके दो सेंटेंस बने हुए हैं बाय द टाइम और एज सोनेज और दोनों ही एक्शन में आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हैड ईटन एंड हैड ईटन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बाय द टाइम मतलब जब तक मैं स्कूल पहुँचा बाय द टाइम आई वेंट सॉरी स्कूल के लिए निकला I had eaten my breakfast. So मैं अपना breakfast कर चुका था. It means I had already taken my breakfast. I went to till the time or by the time I went to school. So as soon as as soon as means I had eaten my breakfast. After having my breakfast I went to school. जैसे ही मैंने अपना breakfast finish किया, breakfast पिलाया, I went to school. तो so, जो action पहले हो रहा है, दोनों ही sentences में आप देख रहे हैं कि पहले जो राइटर है या स्पीकर है जो भी है वो पहले उसने जो एक्शन किया है वो है हैविंग ब्रेकफास्ट सो यहां पर भी और यहां भी आप देख रहे हैं कि आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल ही वेंट टू स्कूल लेटर सो द लेटर एक्शन जो बाद में एक्शन हुआ है वो आप देख रहे हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है सो थैंक यू आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए और लाइक like कीजिए चैनल को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी कीजिए थैंक यू